आज का रेसिपी भेज कर आई। बिना स्किप करते हुए वीडियो को पूरा देखना है और रेसिपी बनाकर देखिए कितना अच्छा और टेस्टी बनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शेफ शीतल और आप देख रहे हैं शेफ किचन आर्ट, और आप सभी को शेफ किचन आर्ट में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लो टेम्परेचर में मैंने पैन रख दिया, इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 1 पीस तेजपत्ता, 2 पीस देगी मिर्च, 1 पीस ग्रीन इलायची, 2 इंच बराबर दालचीनी, 1 टीस्पून धनिया सीड। सारे ऐड कर दिया फ्राई पैन में और 30 सेकंड के लिए इनको धीमी आंच में सौते कर लेना है। उसके बाद ऑनियन जूलियन कटिंग में 220 ग्राम इसी में ऐड कर दिया। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा से सौते कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इसी में मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून बराबर नमक और फिर इनको अच्छा से मैंने मिक्स किया। आपको लाइटली गोल्डन ब्राउन करने का है, ज़्यादा ब्राउन ना करे। इस स्टेप में मैंने टोमेटो स्लाइस 100 ग्राम इसी में ऐड कर दिया और इनको अच्छा से मिक्स कर लेना है। देखिए इसी तरह आप लोग मिक्स कर लीजिए और इसी में ऐड होगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर मैंने 1 से 2 मिनट मिक्स कर लिया है। इस स्टेज में मैंने 1 कप बराबर पानी इसी में ऐड कर दिया और इनको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पका लिया। सारे मसाला पकने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है इनको, ताकि अच्छा से ठंड हो जाए। ठंड होने के बाद इनको मैंने सारे मिक्सर पॉट में डाल दिया है और इनको अच्छा से पेस्ट बना लिया। तो देखिए ग्रेवी तैयार हो चुका है। अब बारी है वेजिटेबल पैन फ्राई की। तो मैंने फ्राई पैन में काफ़ी सारा ऑयल ऐड कर दिया, इनको मीडियम फ्लेम में गरम कर लिया। इसमें जाएगा ग्रीन कैप्सिकम, बीन्स, गाजर, फ्लावर और मटर। सारे वेजिटेबल मैंने गरम तेल में डाल दिया है और इनको अच्छा से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए पैन फ्राई करना है और बीच बीच में इनको थोड़ा सा पलटी कर दीजिए, वरना आपका वेजिटेबल जल सकते हैं। तो देखिए वेजिटेबल पक चुका है, इनको स्टेन कर लेना है आपको, ताकि वेजिटेबल से सारे ऑयल निकल जाए। हमारा वेजिटेबल कढ़ाई मसाला रेडी हो चुका है। वेज कढ़ाई बनाने के लिए फ्राई पैन लो टेम्परेचर में गरम कर लिया मैंने और इसी में 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया। इनको अच्छा से मेल्ट कर लिया मैंने और इसी में जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। फिर मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर इसी में ऐड किया और अच्छा से मिक्स करना है आपको। साथ साथ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसी में ऐड किया और अच्छा से मिक्स करना है। अभी इसी में जाएगा पेस्ट किया हुआ मसाला, तो मैंने सारे मसाला इसी में ऐड कर दिया। कंटिन्यू 3 से 4 मिनट पकाना है आपको मीडियम टू लो टेम्परेचर में। मसाला पकाने का टाइम गाढ़ा होने पर आप थोड़ा सा पानी इसी में ऐड कर सकते हो। तो देखिए मसाला हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसी में अभी ऐड कर देंगे सारे वेजिटेबल। थोड़ा सा ऊपर से पनीर ऐड कर दिया, फिर इनको 1 से 2 मिनट पकाना है आपको। फाइनली वेज कढ़ाई बन के रेडी हो चुका है, अभी प्लेटिंग कर लेते हैं। गार्निश में इस्तेमाल किया ग्रेट किया हुआ पनीर और एक फ्राई किया हुआ कश्मीरी चिल्ली। मेरा वीडियो पसंद आए एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड बाय बाय।